नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लेट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक और टॉपिक, अगेन टाइप टू, दैट इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। जो काफी स्टूडेंट से काफी टाइम से मेरे को कमेंट किया था कि सर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पे न्यूमेरिकल्स भी लीजिएगा और डेरिवेशन भी लीजिएगा। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए टाइप टू। थोड़ा सा मैंने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है, एक्चुअली मैं कोशिश करूंगा कि इसे थोड़े कम टाइप में ही खत्म कर दूं। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए UVL, यानी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे UDL भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर पॉइंट लोड दिख रहा है और साथ में UVL भी है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये है आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा लेके आता रहूं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। तो कमेंट कीजिएगा आपको किस वीडियो पे, यानी कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उसी पर लेके आऊंगा। और इसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डॉक्टर आरके बंसल की बुक को वहां से परचेज कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए सबसे अच्छी बुक ल्यूसिड सिंपल लैंग्वेज में है, जो आप समझ सकते हैं कंपेयर टू अगर दूसरे ऑथर से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट न्यूमेरिकल टाइप टू। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसके बारे में पूरी मालूमात होना जरूरी है, ठीक है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए से लेकर बी पॉइंट तक बीम है, ठीक है, ये पूरी सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब यहां पर हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, यहां पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम 5 मीटर लॉन्ग कैरीज ए से लेके बी तक, जो लंबाई है इस पूरी बीम की, मैं एक चीज बता चुका हूं, बीम अलग चीज होती है और बार अलग चीज होता है। बीम पर फोर्सेस परपेंडिकुलरली एक्ट करती हैं, ठीक है, और बार को जिस डायरेक्शन में आपका एक्सिस होता है, यानी कि जो एक्सिस होता है लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, मतलब सपोज ये बार है, ठीक है, तो फोर्सेज इसके ऐसे एक्ट करेंगी, मतलब आइदर ऐसे करेंगी या फिर ऐसे करेंगी। आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे, बीम है तो 90 डिग्री पे एक्ट करती है सारी फोर्सेस, ठीक। तो अब हम पढ़ रहे हैं बीम के बारे में। तो इस 5 मीटर लंबी बीम में ए से लेके बी तक जो सिंपली सपोर्टेड है, यानी कि रोलर सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट है, उसमें क्या क्या है, कैरीज क्या क्या अपने ऊपर इस बीम ने लिया हुआ है, ग्रेजुअली वेरिंग लोड, यानी कि जिसको बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिंग लोड, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी बोला जा सकता है, ट्राइंगुलर लोड बोल सकते हैं इसको, ग्रेजुअली वेरिंग लोड। फिर एक पॉइंट लोड जो आपको 10 न्यूटन का दिख रहा है पॉइंट डी पर, ग्रेजुअली वेरिंग लोड आपका डी से बी तक के बीच में पड़ रहा है 20 न्यूटन पर मीटर का, इसको ग्रेजुअली वेरिंग लोड भी कहा जा सकता है या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहा जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं UDL। UDL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो पॉइंट ए से लेकर सी तक फैला हुआ है, शोन इन फिगर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल मिटा देता हूं। अब आपको मालूम है कि जब आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आपको इसके बाद इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो मैं वैसा ही मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं, ठीक है, थोड़ी सी लाइन ये स्ट्रेट नहीं है, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सेम बीम यहां पर कंसिडर करता हूं। दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो चलिए आपको मालूम है कि ये हिंज सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट को रिप्लेस किया जाता है दो फोर्सेस द्वारा, एक तो आपकी जो वर्टिकल डायरेक्शन में जाती है, तो इसको नाम दूंगा ए वाई क्योंकि ए पॉइंट पे है, और एक जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके, दिस इज योर ए एक्स, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। देन चलते हैं हमारे, अब एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, ये तो ए पॉइंट हो गया, तो ये जो पॉइंट ए मैंने यहां पर लिखा है, बी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट है, तो यहां पर एक ही फोर्स आएगी जो रिएक्शन, मतलब ये रोलर सपोर्ट को रिप्लेस किया जाता है एक रिएक्शन फोर्स द्वारा, दैट इज बी, और ऊपर जा रही है इसलिए बी वाई, ठीक है। अब मैं यहां पर सी पॉइंट भी बना देता हूं और ये आ गया है आपका डी पॉइंट, क्लियर हो गया। अब डी पॉइंट पे तो अच्छा खासा एक पॉइंट लोड है, इसको दे देता हूं 10 न्यूटन, ओके। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर बहुत खास बात है, इस बार मैंने दोनों लोड एक ही बीम पे उठा लिए, एक आपका ट्राइंगुलर लोड और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ट्राइंगुलर लोड को हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी बोल सकते हैं, ग्रेजुअली वेरिंग लोड भी बोल सकते हैं। अब इस UDL को सबसे पहले बात करेंगे, हम UDL से निपट लेते हैं, इस UDL को हम सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। कई बुकों में ये डायरेक्टली दिया नहीं रहता, थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, मगर हम समझ के करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए UDL को मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेता हूं, दिस इज 10 न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पे कितना पड़ रहा है 10 न्यूटन, समझ रहे हैं। UDL फैला हुआ है आपका ए से सी तक, और ये क्या बता रहा है, इसका जो लोडिंग की मतलब वैल्यू है, दिस इज
न्यूटन पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की लंबाई पे 10 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है। तो अगर 1 मीटर की लंबाई पे 10 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है, ए से लेकर सी तक, वो है 1.5। तो 1.5 मीटर पे कितना लोड पड़ेगा, वापिस रिपीट करूंगा, 1 मीटर पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स पड़ रहा है, तो ए से लेकर, यानी कि डिस्टेंस कौन सा चूज करना है, जहां से यूडीएल स्टार्ट होता है और जहां पे खत्म हो जाता है, तो वहां से यहां तक का डिस्टेंस है 1.5 मीटर। तो 1 मीटर में अगर 10 न्यूटन है, तो 1.5 मीटर में कितना होगा, दिस इज 10 न्यूटन, ये यहां पे आ जाएगा, ये वाला नंबर नीचे आएगा, ये वाला सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे मीटर मीटर गेट कैंसिल, तो 10 × 1.5 इज योर दिस वन 15। तो यहां पर मैं एक कहीं पे पॉइंट ले लेता हूं, दिस इज सेंटर पे, और खास बात यह है कि आपका ये लोड जो पॉइंट लोड में आपने कन्वर्ट कर दिया है, ये एक्ट कहां करेगा, याद रखिएगा, ये ए से लेकर सी तक आपका यूडीएल फैला हुआ था, तो यूडीएल हमेशा सेंटर पे एक्ट करता है। तो मैं यहां पर ई पॉइंट ले लेता हूं, ई पॉइंट, तो यहां पर ये एक्ट करेगा, दिस इज योर 15 न्यूटन, ठीक है, 10 × 1.5 इज 15, और न्यूटन जो आई यूनिट वो यहां पे लिख दी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है मैं ये बता देता हूं, टोटल आपका 1.5 है, तो कहने का मतलब ये सेंटर पे एक्ट करेगा, तो दिस इज योर 0.75 मीटर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया ये, बाकी बचा 0.75 यहां पे है ही है, तब तक के लिए मैं यहां से यहां तक आपका मेंशन कर देता हूं, दिस इज 1.5 मीटर, ठीक है, दिस इज योर 1.5 मीटर एंड दिस इज योर 3 मीटर, क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने यूडीएल का किस्सा खत्म कर दिया, ठीक है, आगे चलते हैं हमारा ट्रायंगुलर लोड, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये बुक्स का जो प्रोसीजर होता है वो इनबिल्ड देते हैं, खोल के नहीं बता देते ज्यादातर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये समझ गए ये। ओके, अब आते हैं हम इस पर, किस पे, अपने ट्राइंगुलर लोड पे, यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि ग्रेजुअली वेरिंग लोड। अगर आप देखेंगे इसकी जो रेटिंग है, 1 मीटर के ऊपर 20 न्यूटन की पड़ रही है, 1 मीटर पे 20 न्यूटन की पड़ रही है, ठीक है, सिंपल, जो आपने यूडीएल के लिए किया वही आपको ट्राइंगुलर लोड के लिए करना है, 1 मीटर पे 20 न्यूटन की फोर्स पड़ रही है, तो आपका जो यूडी ये यूवीएल है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि ट्राइंगुलर लोड, ये डी से बी तक कितनी लंबाई पे फैला हुआ है, 3 मीटर की लंबाई पे। अगर 1 मीटर पे 20 न्यूटन है, तो 3 मीटर पे कितना होगा, तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल, 20 न्यूटन 1 मीटर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, और ये सिंपल मैथमेटिक्स है 10th क्लास की, वो मीटर मीटर कैंसिल, तो 220 × 3 60, और यूनिट जो बची 60 न्यूटन, मगर ठीक है कितना आया आपका 60 न्यूटन। एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये जो यूवीएल है ये लगभग आपका यूडीएल का हाफ होता है, क्या होता है, हाफ होता है, याद रखिएगा, ये जो यूवीएल है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि ट्राइंगुलर लोड, ये आपके यूडीएल का हाफ होता है, तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड करना मत भूलेगा, तो फिर आएगा आपका आंसर 30 न्यूटन, क्लियर हो गया। अब 30 न्यूटन आ गया, अब इसे प्लेस कहां करना है, जैसे यूडीएल के केस में सेंटर में प्लेस करना होता है, कि यूडीएल जहां से स्टार्ट होता है जहां पे खत्म होता है उसके टोटल डिस्टेंस का हाफ पे, यानी कि सेंटर पे वो एक्ट होता है, मगर इस केस में जो 30 न्यूटन आया है ये कहां पे एक्ट करेगा, टोटल डिस्टेंस का क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर का 2/3 निकालिए, 3 मीटर का 2/3 निकालिए, कितना हो गया, 3 3 कैंसिल, यानी कि 2 मीटर। अब ये जो आया है 2 मीटर, जहां से आपका ये ट्राइंगुलर लोड स्टार्ट हुआ है वहां से 2 मीटर आगे बढ़िए, यानी कि यहां से अगर आप लगभग यहां आते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाता है 2 मीटर, और तो यहां पर ये पड़ता है, समझ गए, और यहां पर वैल्यू क्या आएगी हमारी, दिस इज योर 30 न्यूटन। क्या आई होप आपको ये समझ गया होगा कि कैसे हमने यूवीएल को कन्वर्ट किया पॉइंट लोड पे, कैसे हमने कन्वर्ट किया यूडीएल को पॉइंट लोड पे। अब इसके बाद कैलकुलेशन सारी आसान है, आपको 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है, क्योंकि ये बीम रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है, रेस्ट पोजीशन पे, तो आप रिएक्शन फोर्सेस जो आपको नहीं मालूम है फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं टोटली पूरा, और हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपका हमेशा होना चाहिए। बाकी जो आप है बाद में रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने मिटा दिया है, मेरे को स्पेस चाहिए थी कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा, अब आपको मालूम है हम 3 इक्वेशंस ऑफ बाय यूजिंग 3 इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये बीम रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो हम जो सपोर्ट रिएक्शंस है फाइंड आउट करेंगे 3 इक्वेशंस का यूज करके, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही है, ठीक है, पूरे इस पे, तो देयरफॉर दिस इज
लेट मी चेक, यस आई एम डूइंग करेक्टली. तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, दैट ए एक्स इज डायरेक्टली इक्वल टू जीरो, यानी कि ए एक्स तो डायरेक्टली जीरो हो गया है. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो भी वैल्यूज हमें पता चलती जाती है ए एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है. ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूं, इसकी तो वैसे भी जरूरत नहीं, या फिर आपने नहीं भी कैलकुलेट किया होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी. ठीक है, नेक्स्ट इज समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि जो भी वर्टिकल फोर्सेज है उसका जो समीशन होता है वो जीरो होता है. ठीक है, आपस में वो कैंसिल हो जाते हैं. फिर चलिए देखते हैं हमारी कौन कौन सी फोर्सेज है. ए वाई, याद रखिएगा कि जो ऊपर जा रही है फोर्सेस पॉजिटिव लीजिए, जो नीचे जा रही है दैट यू टेक एज नेगेटिव. तो ऊपर जा रही है ए वाई, ऊपर जा रही है तो देयरफॉर दिस इज पॉजिटिव. ठीक है, 15 न्यूटन नीचे आ रही है तो दिस इज योर नेगेटिव. देन और कौन सी फोर्स है, डी पॉइंट पे एक फोर्स है जो नीचे जा रही है तो दिस इज योर अगेन 10 नेगेटिव. फिर 30 न्यूटन भी नीचे जा रही है, अगेन नेगेटिव. आर बी वाई आपका ऊपर जा रहा है, therefore by equal to zero. तो आप देखेंगे ay plus by equal to, अगर आप इसका प्लस करेंगे negative 15 minus 10 minus 30 तो this is coming out to be 55. तो this is 55 equal to zero, therefore ay plus by 55 उस साइड जाएगा, minus positive हो जाएगा, तो this is 55. ये हो गई हमारी पहली equation. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, this is your equation ay plus by equal to 55. तो दिस इज आवर इक्वेशन. तो फिलहाल मैं इसको भी मिटा देता हूं, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई है. अब क्या करेंगे हम हमारा थर्ड इक्वेशन यानी कि थर्ड कंडीशन फॉलो करते हैं. अब देखिए हमको मोमेंट लेना है. अभी तक आप समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो ले चुके हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो ले चुके हैं, और अब आपको लेना है मोमेंट. तो मोमेंट भी आपको सही सोच समझ के लेना पड़ेगा. मोमेंट कहां पे लेना चाहते हैं, मोमेंट वहां पे लीजिए जहां पर फोर्सेस ज्यादा हो. ठीक है, और जहां पर भी आप मोमेंट लेंगे जिस पॉइंट पे, तो वहां पर फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, जीरो हो जाता है. ठीक है, तो मैं लूंगा, आप आपकी मर्जी, आप यहां पर भी ले सकते हैं. वैसे भी एक्स क्या है वो आपका जीरो ही हो गया है. ठीक है, तो वहां पर लीजिए जिस जहां पे आपकी अननोन सपोर्ट रिएक्शंस है, यानी कि जो रिएक्शन फोर्स है वो जीरो हो जाए, वो भी अननोन जीरो हो जाए. क्योंकि डी पर लेके क्या फायदा है, सी पर लेके क्या फायदा है, ई पर लेकर क्या फायदा है. अगर आप देखेंगे ई डी पर फोर्सेस मालूम है आपको. हाँ, यहां पर भी एक मैं पॉइंट मेंशन कर देता हूं, यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है, ए बी सी डी एफ, इसको एफ मेंशन कर देता हूं, जहां पर ये आपका यूडीएल एक्ट हो रहा था. ठीक है, अब आप देखिए टोटल 3 था, ये 2 है, तो बाकी बचा तो 1 है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, तो मैं समेशन ऑफ दिस मोमेंट एट पॉइंट ए लूंगा इक्वल टू जीरो. तो मैं जीरो ए पर मोमेंट ले रहा हूं. तब आपको मालूम है अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव. अब आपको मालूम है, तो चलिए देखते हैं. अब हर एक फोर्सेस की जो अप्रोच है वो पॉइंट ए पर होने वाली है, समझ गए. यानी कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज नथिंग बट अ टर्निंग इफेक्ट, हर एक फोर्स का टर्निंग इफेक्ट. अब बीम के ऊपर अलग अलग वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रही है, कोई नीचे जा रही है कोई ऊपर जा रही है, तो वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, पॉइंट ए पर, समझ गए, वो बीम पर क्या इफेक्ट करेगी, यानी कि कैसे वो टर्न करेगी इस बीम को. तो अब हम देखेंगे, दिस इज योर सबसे पहले ये वाली फोर्स. देखिए क्योंकि मैं ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूं, तो ए एक्स भी ए पॉइंट से गुजर रही है, ए वाई भी आपकी ए पॉइंट से गुजर रही है, तो इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि जीरो. तो अब इसका अप्रोच कैसा जाएगा, ये जाएगा इधर. ठीक है, तो देयरफॉर अगर आप देखेंगे तो ये आ गया आपका क्लॉकवाइज. ठीक है, और आपको पॉजिटिव लेना है, सो देयरफॉर दिस इज 15 इनटू, और आपको मालूम है मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये है आपका फोर्स 15 न्यूटन, ये जा रहा है पॉइंट ए की तरफ, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज, आपने कैलकुलेट किया हुआ, दिस इज 0.75. क्लियर हो गया, ओके. आगे बढ़ते हैं, दूसरा आपकी फोर्स जो है वो भी घूमकर इधर ही जाने वाली, और ये है आपका अगेन क्लॉकवाइज. सो दिस इज योर प्लस, प्लस इसी वजह से आया है, दिस इज 10. ए पॉइंट से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये कितना है आपका, ये है आपका ए से लेकर सी तक 1.5 प्लस 0.5, दिस इज योर 2. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए आते हैं एफ पॉइंट पर, ये घूम के ये भी इधर ही जाने वाली है. ठीक है, ए पॉइंट पे नीचे डायरेक्शन जा रही है, क्लॉकवाइज है, प्लस 30 इंटू ए से लेकर एफ तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक 1.5, यहां से लेकर 0.5 यानी कि 2 हो गया, 2 से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां तक का डिस्टेंस ये बताया हुआ है, तो दैट मीन्स दिस इज, आई विल मल्टीप्लाई बाय 4. लेट मी चेक, या दिस इज करेक्ट.
ओके अब ये जो है, ये जो फोर्स है ये ऊपर जा रही है, तो इसकी जो अप्रोच होगी सर्कलिंग अप्रोच ये पॉइंट पे पहुंचने की, ठीक है, ये टर्निंग इफेक्ट जो देगी ये एंटी क्लॉकवाइज में देगी, अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा साइन माइनस का, देयरफॉर दिस इज योर बी वाई, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया था कि टोटल डिस्टेंस है हमारा 5 मीटर, क्लियर हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, या दिस इज करेक्ट। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट 151.25, ये नेगेटिव का साइन है उस साइड चला जाएगा तो माइनस, यानी कि प्लस में बदल जाएगा बी वाई, देयरफॉर बी वाई इक्वल टू 151.25 डिवाइड बाय 5, देयरफॉर बी वाई इक्वल टू दिस वन इज कमिंग 30.25 न्यूटन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज योर 30.25। तो इसी वजह से इस इक्वेशन का यूज करके मैं हम ए वाई भी निकाल लेंगे, आपको मालूम है दैट ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू 55 न्यूटन है, ठीक है, तो हमें बी वाई मालूम है, देयरफॉर यहां पर आप पुट कीजिए 30.25 इक्वल टू 55, देयरफॉर ए वाई इक्वल टू 55 माइनस 30.25, सो देयरफॉर ए वाई इक्वल टू दिस इज कमिंग आउट टू बी 24.75 न्यूटन, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर अब मैं ये पूरी सेकंड इक्वेशन मिटाई देता हूं लगभग, तो हमारे पास क्या आ गया है ये, देयरफॉर बी वाई जो हमें पहले मिला था दैट वॉज योर 30.25 न्यूटन, देन ए वाई इज योर 24.75 न्यूटन, आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो फिलहाल मैं ये सब मिटा देता हूं। ओके, तो अब चलेंगे हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करने। अब आपको मालूम है सेक्शन के अगर आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो आपके सेक्शन का कोई भी आइदर राइट हैंड साइड कंसीडर करना पड़ता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, शेयर फोर्स इज नथिंग बट कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जो भी अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्सेस है उसका समेशन निकाला जाता है सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम सेक्शन, ठीक है, तो ये जो बी है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम सारी वर्टिकल फोर्सेस का समेशन निकालेंगे, तो वो होगा हमारा शेयर फोर्स, समझ रहे हैं। तो ये फिलहाल मैं ये डॉटेड डॉटेड मिटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें, जो हमने ये लिखा था दिस इज 1.5 मीटर एंड यहां पे लिखा हुआ था हमने ए वाई, क्लियर हो गया ये, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैं पहले बता देता हूं आपको शेयर फोर्स कहां कहां कैलकुलेट होने वाली है, तो कौन सा कलर यूज करूंगा मैं, रेड कलर यूज करूंगा जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें शेयर फोर्स पॉइंट ए पे कैलकुलेट करनी है, ठीक, जहां पर भी पॉइंट लोड है वहां पर आपको कैलकुलेट करनी है शेयर फोर्स। याद रखिएगा यूडीएल और यूवीएल की वजह से, यूडीएल और यूवीएल जिनको आपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है वहां पर आपको शेयर फोर्स नहीं कैलकुलेट करनी, उसका सिर्फ इफेक्ट आपको लेना है, ठीक है, एक यहां पर लेनी है, पॉइंट लोड एक्चुअली में कहां कहां पे था, एक ए पर था, एक डी पर था और एक बी पर था। याद रखिएगा कि आपको शेयर फोर्स जब भी कैलकुलेट करनी है तो पॉइंट लोड पे या उससे लेफ्ट पे या फिर उससे राइट पे ही आपको कैलकुलेट करनी है। याद रखिएगा शेयर फोर्स पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जीरो ही आने वाली है, ठीक है, तो जहां जहां पे कैलकुलेट करनी है वहां पर मैं रेड कलर से मार्किंग कर देता हूं। देखिए एक तो पॉइंट ए पर कैलकुलेट होने वाली है, फिर पॉइंट ए के राइट साइड पे कैलकुलेट होने वाली है, ओके, यूडीएल की वजह से जो पॉइंट लोड आया है वहां पे आपको कैलकुलेट नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, समझ गए, तो इस पॉइंट लोड पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है। डी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करनी है डी, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी पॉइंट लोड क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो कन्वर्जन करके आपने यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है वहां पे आपको नहीं करनी, क्योंकि ये बुकों में ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है, ठीक है, और वैसे ही आपको क्योंकि डी, देखिए ए पॉइंट पे पॉइंट लोड था इसलिए मैं पॉइंट ए पे कर रहा हूं और राइट हैंड साइड पे कर रहा हूं, डी पॉइंट पे आपका पॉइंट लोड था इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कर रहा हूं, बी पॉइंट पे पॉइंट लोड है इसलिए आपका यहां पर भी कैलकुलेट होगा और पॉइंट बी पे भी कैलकुलेट होगा। कन्वर्जन करके आपने जो भी यूडीएल और यूवीएल लेके आया है, याद रखिएगा कन्वर्जन करके यूडीएल और यूवीएल का अगर आपने पॉइंट लोड लिया तो वहां पे नहीं
आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, मगर उसका इफेक्ट कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट कैसा बोल रहा हूं मैं। और याद रखिएगा, शियर फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो सेक्शन का हमने क्या लिया है, बी पॉइंट से सारा लेफ्ट हैंड साइड की जो भी फोर्सेस हैं आपकी वर्टिकल, उनका एल्जेब्रिक सम निकालना है, तब हम कैलकुलेट कर पाएंगे शेयर फोर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने बोला है कि बीम के स्टार्टिंग में और बीम की एंडिंग पे शेयर फोर्स जीरो आने वाली है। ठीक, नेक्स्ट शेयर फोर्स। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये जो ए वाई है, ए वाई की वैल्यू लिख लेता हूं। एक्चुअली में ए वाई की वैल्यू आई है हमारी 24.1, काम करता हूं, ठीक है, 75 न्यूटन। क्लियर हो गया। और बी वाई की जो भी वैल्यू है वो भी यहां पे लिख देता हूं, बी वाई इज योर, ताकि हमको आसानी पड़ेगी, 30.25 न्यूटन। लेट मी चेक, सेम है, ओके 24। ठीक, शेयर फोर्स एट ए जीरो है, शेयर फोर्स आफ्टर, या राइट साइड बोल सकते हैं, आफ्टर पॉइंट ए। ठीक है, तो समझ रहे हैं, तो अगर शेयर फोर्स आफ्टर पॉइंट ए निकालनी है तो ए पॉइंट पे जो भी फोर्स है, याद रखिएगा शेयर फोर्स निकालते वक्त भी जो फोर्स ऊपर जा रही है पॉजिटिव, जो फोर्स नीचे आ रही है दैट इज नेगेटिव। तो शेयर फोर्स ए पॉइंट पे जीरो है, शेयर फोर्स पॉइंट ए की जो बात निकाली, यानी कि आफ्टर पॉइंट ए, तो इससे पहले जो भी पॉइंट लोड है उसकी वैल्यू लेनी है, और ये ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स पॉजिटिव साइन, तो देयरफॉर दिस इज 24.75 न्यूटन। क्लियर हो गया जी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमें शेयर फोर्स कहां कैलकुलेट करनी है, शेयर फोर्स। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर आपका यूडीएल खत्म हो जाता है, जहां पर आपका यूडीएल खत्म हो जाता है, अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे तो यूडीएल स्टार्ट हुआ था ए से सी तक, तो याद रखिएगा सी पॉइंट पे भी आपको शेयर फोर्स निकालनी है। मैं वापस बोलूंगा, अगर यूडीएल स्टार्ट होता है, हमने ए पॉइंट पे निकाला हुआ है, दैट ए पॉइंट पे तो जीरो है, जब भी यूडीएल जहां पर स्टार्ट होता है और एंड होता है वहां पर भी शेयर फोर्स निकालनी जरूरी है। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, जो भी पिछली वैल्यूज आई है आपकी वो लिख दीजिए 24.75, ये पिछली वैल्यू यहां पे लिखी, ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव जा रहा था। ओके, अब ये देखिए ये ऊपर, अब ये जो है इसका इफेक्ट लेना, मैंने आपको बोला था कि यूडीएल जो आपने पॉइंट रोड में कन्वर्ट कर दिया उसका इफेक्ट लेना बहुत जरूरी है। तो 15 आपका नीचे की तरफ जा रहा है तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज, तो 15 न्यूटन यहां पर आ गया। ओके, ये ऊपर जा रहा है, ये पिछला आंसर मैंने यहां लिख दिया, उसके बाद जो फोर्स आ रही है ये नीचे की तरफ जा रही है, इसका इफेक्ट हमने ले लिया और हमने पॉइंट सी पर निकाल लिया। तो लेट मी चेक, यस दिस इज करेक्ट, दिस इज 9.75 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट पे पढ़ते हैं, अब सी पे हो गया है शेयर फोर्स, अब पॉइंट डी पे, पॉइंट डी से पहले, तो शेयर फोर्स एट, नॉट एट, दिस इज बिफोर, क्लियर हो गया, शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट डी। तो अब आपको मालूम है कि जो भी पिछला आंसर आया होगा वही एज इट इज लिख दीजिए, यस, ओके, एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, अब शेयर फोर्स पॉइंट डी के, क्योंकि पॉइंट लोड से लेफ्ट के साइड निकालना है, पॉइंट लोड के राइट साइड पे निकालना है, तो शेयर फोर्स आफ्टर पॉइंट डी इक्वल टू, तो जो भी पिछला आंसर आया है वो लिखिए, दिस इज 9.75 न्यूटन। अब आप देखिए बाद में आप निकाल रहे हैं पॉइंट डी के, मतलब यहां पे निकाल रहे हैं तो उससे पहले पॉइंट डी पे एक लोड आया हुआ है, वो नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे वाली डायरेक्शन पे आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो देयरफॉर दिस इज योर नेगेटिव 0.25 न्यूटन। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आफ्टर भी हो गया है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि एफ पॉइंट पे आपको ना ही पहले ना ही बाद में शेयर फोर्स कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यूडीएल और यूवीएल को कन्वर्जन करके जो भी पॉइंट लोड आते हैं वहां पे आपको नहीं, हाँ इसका इफेक्ट जरूर लेना है। तो अब हम चलेंगे पॉइंट बी पर, आपका पॉइंट लोड है तो इससे पहले कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट बी इक्वल टू, तो जो भी आपका पिछला आंसर आया है वो लिख दीजिएगा, ठीक है, 0.25 न्यूटन। ओके, जो भी आपका पिछला आंसर है वो लिख दीजिए। अब देखिए इससे पहले इसका इफेक्ट है, यूवीएल की, यूवीएल का कन्वर्जन हमने पॉइंट लोड में कर दिया था, तो ये है 30 न्यूटन और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो दिस इज विल राइट 30 न्यूटन, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी, यस, तो दिस इज नेगेटिव 30.25 न्यूटन। लेट मी चेक, या दिस इज करेक्ट। अगेन आवर सेवेंथ शेयर फोर्स, अब कहां पे कैलकुलेट करना है, पहले हो गया पॉइंट पी पर, हमें मालूम है कि बीम के, यानी कि बीम
का जो पॉइंट है ये बी एंड पे, बीम के स्टार्टिंग पे और एंडिंग पे शेयर फोर्स जीरो होती है, मगर देखते हैं आता भी या नहीं आता, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, तो क्या होगा, जो भी हमारा पिछला आंसर है वो लिख दीजिए 30.25 न्यूटन। ओके, अब आप देखिए यहां पर ये जो फोर्स है पॉइंट बी पर जो आपका लोड जा रहा है, ये यानी कि रिएक्शन फोर्स है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव होगी साइन कन्वेंशन के हिसाब से, दिस इज 30.25 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे तो दिस इज जीरो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सारा मिटा दूंगा और अब मैं बनाता जाऊंगा, ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, ये देखते जाइए। ओके, राइट नाउ अगर मुझे प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगा, सेम वैसा ही बनाऊंगा, ठीक है। ओके, अब मैं ए पॉइंट, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर, फिर भी यहां पे लिख लेता हूं ई, वैसे तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमने खुद कन्वर्ट किया हुआ है यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में, तो यहां पर आपका सी पॉइंट आ जाएगा। ओके, दिस इज योर डी पॉइंट, ओके दिस इज योर एफ पॉइंट, ओके ई और एफ लेने की जरूरत नहीं है वैसे भी आपको, ये हो गया आपका बी पॉइंट, क्लियर हो गया। अब मैं वैल्यूज पढ़ता जाता हूं, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए जीरो है तो हमने जीरो से स्टार्ट करना है, देन शेयर फोर्स आफ्टर पॉइंट ए दैट इज 24.75, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, दिस इज योर, क्लियर हो गया, ये आ गया हमारा ये, तो ये एरो ऊपर की तरफ एंड दिस इज योर 24.75 न्यूटन। वेट अ मिनट, सब शायद अलार्म बज रहा है, मैं इसको लेट मी क्लोज। ओके ओके, नेक्स्ट हो गया, देन शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी दिस इज 9.75, तो मैंने बोला था कि ई और ये एफ की जरूरत नहीं है वैसे भी, तो आप मिटा सकते हैं, तो सी पर जो है शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इज 9.75, तो मैं यहां लगभग लेता हूं। अब आपको मालूम है ए से लेकर सी तक आपका यूडीएल था, तो जब भी आप शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, और ए से लेकर सी तक आपका यूडीएल था, तो आपको यूडीएल को शेयर फोर्स डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए, क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो ये आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन, समझ गए, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन लाइन है एक्चुअली, ये इंक्लाइन लाइन है, ठीक है। ओके चलिए, तो ये मैं यहां पर कर देता हूं, और यहां पर जो था 9.75 न्यूटन, क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी अगेन 9.75, तो यहां से ये जाएगा सीधा यहां पर भी 9.75 न्यूटन है, क्लियर हो गया। ओके, शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट डी ये 9.75 था, अब मैं आगे बढ़ूंगा, शेयर फोर्स आफ्टर पॉइंट डी इज योर नेगेटिव 1.25, तो ये काम करता हूं, ये जो डी है थोड़ा सा इस साइड लिखता हूं और यहां से मैं नीचे की तरफ आता हूं, ठीक है, ये हो गया हमारा 0.25, मगर ये नेगेटिव में है याद रखिएगा, 0.25 न्यूटन। ओके, शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट बी इज योर नेगेटिव 30.25, तो अगर ये 24 होगा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, मगर याद रखिएगा डी से लेकर बी तक आपका यूवीएल था, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, तो शेयर फोर्स डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पैराबोलिक कर्व यूज किया जाता है, वो भी सेकेंड डिग्री का, तो ये लगभग ऐसा दिखेगा आपको, लगभग, क्लियर हो गया। और फाइनली ये आ गया है आपका, दिस इज योर, मैं यहां पे लिख देता हूं 30.25 न्यूटन, क्लियर हो गया, तो ये लगभग आपका ऐसे जा रहा है, और यहां पर इसको मेंशन करूंगा, दिस इज योर पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व, और ये भी सेकेंड डिग्री का है, सेकेंड डिग्री का, क्लियर हो गया ये पैराबोलिक कर्व। एंड फाइनली आपका जो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी है ये फाइनली जीरो हो गया है, ठीक है, तो दिस इज योर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यहां पर मैं एरो भी लगा देता हूं कि कैसे कैसे ये ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो रही बात, आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अभी फाइंड आउट करेंगे हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इसी का यूज करके हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, तो दिस इज राइट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो चलिए हमें इसका इफेक्ट लेना ही लेना है, ठीक है, तो राइट नाउ दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे लेना है, तो आपको क्या करना है, अलग अलग पॉइंट पे
अब देखिए, सबसे पहले आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अलग अलग पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट लेने हैं, यानी कि मोमेंट क्या, यानी कि एक फोर्स का बेंडिंग इफेक्ट। पहले तो सिर्फ मोमेंट था, एक फोर्स का बेंडिंग इफेक्ट पॉइंट ए पर, देन पॉइंट सी पर, देन पॉइंट डी पर, एंड फाइनली पॉइंट बी पर। याद रखिएगा, जहां पर आपने यूडीएल और यूवीएल को कन्वर्जन करके पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिए, वहां पे आपको कन्वर्ट मीन्स मोमेंट नहीं लेना है, उसका सिर्फ इफेक्ट लेना है वो फोर्स का, ठीक है। यूडीएल का इफेक्ट लेना है और यूवीएल का लेना है, क्योंकि आपने यूडीएल और यूवीएल को एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं, मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। अब आपको मालूम है पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पे पास होने वाली जो सारी फोर्सेस हैं वो आपकी जीरो हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट सी लेंगे, या दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट, बेंडिंग मोमेंट एट दिस इज योर पॉइंट सी, ठीक है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर सी पर लेना है तो देखिए, इसकी जो अप्रोच है, आपको मालूम है कि मैंने क्या बताया था आपको, दैट दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। क्लॉकवाइज अगर आप लेते हैं इसका इफेक्ट, फोर्स का बेंडिंग इफेक्ट, समझ रहे हैं, फोर्स का बेंडिंग इफेक्ट वही होता है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। पॉइंट सी पर लेना है तो ये फोर्स कैसे बेंड करवाती है आपकी बीम को अलग अलग जहां पर ये पॉइंट पे एक्ट कर रही है, तो वो कैसे लेना है, अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। पॉइंट सी पर लेना है तो देखिए, इसका जो सर्कलिंग, इसका जो बेंडिंग करने का तरीका है वो कैसे करेगा, अब देखिए ये जा रहा है लगभग यहां पर, और ये जो रेड लाइन है फिलहाल मैं मिटा देता हूं, फिलहाल ये किसी काम की नहीं है क्योंकि ये सिर्फ शेयर फोर्स के लिए थी, तो मैं ये मिटा देता हूं पूरी तरह, यहां पर भी हर जगह मिटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने रेड लाइन क्यों लगाई हुई है। ओके ओके, अब ये क्लियर है, ठीक है। तो इसकी जो अप्रोच है बेंडिंग की, वो आप देखिए ऐसे घूम के आ रही है ये ए वाई फोर्स की, क्योंकि एक्स तो वैसे भी जीरो है, तो ये ऐसे जा रही है, तो दिस इज योर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो दिस इज योर आएगा 24.75, यहां से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये जो है दिस इज योर 1.5 मीटर। लेट मी चेक, या क्योंकि मेरे पास चेक भी करना है मुझे साथ साथ में कि सही जा रहा है हमारा आंसर, ठीक है, हो गया ये। ओके नेक्स्ट, आपको ये फोर्स हो गई, इस फोर्स का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ये वाली फोर्स है जो नीचे की तरफ, जो यूडीएल की वजह से आई, तो इसका इफेक्ट लेना है हमें, ठीक है, ना कि यहां पर अपने को बेंडिंग मोमेंट लेना है। ओके, तो इसका जो सर्कलिंग अप्रोच है, बेंडिंग इफेक्ट है, वो सी पॉइंट पे लगभग ऐसा दिखेगा, मतलब ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा था, ये नीचे की तरफ ऐसा जा रहा है, तो ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में आपका नेगेटिव डायरेक्शन आता है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया है। वैल्यू जो है इसकी 15 न्यूटन की है, मल्टीप्लाई बाय, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको मालूम है, ये पूरा 1.5 था, इतना हमने 0.75 निकाला, तो बाकी बचा 0.75 ही होगा यहां पर, तो दिस इज योर 0.75। ओके, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 25.875 न्यूटन मीटर, क्योंकि आप फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज फोर्स, इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट मीटर में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपको कहां लेना है, सी पर हम ले चुके हैं, ठीक है। ओके, अब आपको लेना है दिस इज योर पॉइंट डी, पॉइंट डी पर लेना है, यस दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, ठीक है। तो वही वो करना है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये जो आपकी सर्कलिंग अप्रोच थी हर एक फोर्स की, जहां पर आप मोमेंट ले रहे हैं वहां पर जाने की, यानी कि वो क्या बेंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है बीम को, ठीक है। ये फोर्स अब पॉइंट डी पर ले रहे हैं, तो ये फोर्स घूमकर जाएगी, इसका इफेक्ट बेंडिंग का लगभग ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसा, तो मैं लिखूंगा ये फोर्स का वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड है, दिस इज योर 24.75 मल्टीप्लाई बाय ए पॉइंट से लेकर डी तक का डिस्टेंस, आपको मालूम है ये 1.5 है प्लस दिस 0.5 यानी कि 2, चलिए लिख दिया हमने, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, इसका जो बेंडिंग इफेक्ट है वो लगभग ऐसे जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं, और नीचे की तरफ है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, देयरफॉर नेगेटिव, दिस इज 15 इनटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये आपको मालूम है ई से लेकर सी तक का 0.75 था, और ये ऑलरेडी 0.5 दिया हुआ है सी और डी, तो ये 0.75 प्लस 0.5 दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.25, यस दिस इज करेक्ट। ओके, और कोई इनके दरमियान कोई और फोर्स नहीं है, तो ये जो आएगा
This is coming out to be 30.75 न्यूटन मीटर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब आपको मालूम है पॉइंट एफ पे हमें कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं निकालना है क्योंकि ये सिर्फ इसका इफेक्ट लेना होता है. ठीक है, तो देयरफॉर फोर्थ पॉइंट पे अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी. और मुझे मालूम है कि ये तो जीरो आने वाला है. चलिए हम पता करते हैं कि जीरो आता भी नहीं आता. ठीक है, तो अब सारे के सारे जो सर्कलिंग इफेक्ट थे वो मैं जरा माइनस कर देता हूं. ठीक है, मतलब मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, अब बी पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं तो फिलहाल पहली फोर्स ये आती है तो ये घूमकर ऐसे जाएगी, यहां पर पहुंचेगी. ठीक है, इसका बेंडिंग इफेक्ट यानी कि बीम को बेंड करने की कोशिश करेगी और कुछ नहीं, यही बेंडिंग इफेक्ट होता है. ये सब समझने का तरीका है. ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको जीरो हटा देता हूं क्योंकि हमें मालूम है कि जीरो आएगा. तो देखते हैं आता भी या नहीं आता. 24.75 यहां से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 5 मीटर. लेट मी चेक, या दिस इज गिवन. ओके, देन ये वाली फोर्स नीचे की तरफ है तो ये घूमकर पॉइंट बी की तरफ अप्रोच करेगी तो ये ऐसे एरो है और ये नीचे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है. दैट मींस ये जो पॉइंट ई पर है और ये यूडीएल को कन्वर्ट करके लिया हुआ पॉइंट रोड है जिसका इफेक्ट लेना है शेयर फोर्स में भी और इधर भी. आई थिंक आपको समझ गया होगा. तो देयरफॉर दिस इज नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ जा रही थी और एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी इसलिए नेगेटिव. और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अब देखिए ये 0.75 है प्लस 0.5 प्लस 3, तो 3 प्लस 0.5 इज 3.5, 3.5 प्लस 0.75 तो ये हो जाता है 4.25 मीटर लगभग. तो दिस इज 4.25 मीटर. तो इसे ध्यान से कीजिएगा. चलो हमने इस फोर्स को निपटा दिया, इस फोर्स को निपटा दिया. अब आते हैं हम इस डी पॉइंट पे. ये भी नीचे की तरफ जा रही है तो इसका भी जो अप्रोच रहेगा बेंड करने का वो लगभग ऐसी रहेगा एंटी क्लॉकवाइज. तो देयरफॉर नेगेटिव साइन. और यहां पर आएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 दिया हुआ है. यस, दिस इज अगेन करेक्ट. अगेन माइनस का साइन क्योंकि एफ पर भी यूवीएल का पॉइंट लोड है जो घूमकर इसी साइड आने वाला है आपका. ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव साइन फिलहाल मैं यहां लगाता हूं नेगेटिव. दिस इज 30 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, पूरा 3 था, ये हमारा 2 था तो बचा हुआ 1 ही रहेगा. तो इनटू 1 अगर आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 ही आएगा. आप कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से देख सकते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे करना है. तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए. ये सारी वैल्यूज आने के बाद अब मैं प्लॉटिंग करने जा रहा हूं कि शेयर फोर्स डायग्राम आपका कैसा बनने वाला है. ठीक है, तो ये आ गए हम ऐसे. सिर्फ हमें क्या करना है, पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट सी, देन दिस इज योर पॉइंट डी, देन फाइनली योर पॉइंट बी. वैसे भी आपको एफ और ई लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा दैट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0 था यहां पे. नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू 25.875. तो सी पर मैं लगभग यहां लगा देता हूं. ठीक है, सी पर मैं लगभग यहां लगा देता हूं. दिस इज 25.875. थोड़ा यहां लिखता हूं. ठीक है, एक काम करता हूं थोड़ा सा नीचे बनाता हूं. ठीक है, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है. ए, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी, दिस इज योर फाइनली बी. ओके, तो यहां पर हमें मालूम था यहां पर 0 है ए पे, सी पर जो है 25, तो मैं लगभग यहां करता हूं. ठीक है, दिस इज योर 25.875 न्यूटन. क्लियर हो गया. ओके, तो अब आपको मालूम है कि ए से सी के दरमियान, ए से सी के बीच में आपका यूडीएल था. तो यूडीएल अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बनाते हैं तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है पैराबोलिक कर्व द्वारा. दिस इज पैराबोलिक कर्व, वो भी आपका सेकेंड डिग्री का होता है, सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व. ठीक है, हो गया ये. ओके, अब हम लेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी. डी पर आ जाता है 30.75, तो दिस इज योर लगभग यहां पर है 30.75. दिस इज न्यूटन मीटर में था तो दिस इज ऑल्सो इन न्यूटन मीटर. तो ये आपकी आ जाएगी स्ट्रेट लाइन. ठीक है, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ पॉइंट लोड था. अगर आप देखेंगे डी से बी तक आपका क्या था, आपका था ये आपका यूवीएल यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड. तो आपका डी पॉइंट पे आ गया और बी पॉइंट पे आपका जीरो था. तो ये लगभग आपका थर्ड डिग्री कर्व आएगा बेंडिंग मोमेंट में, आपके यूवीएल को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड डिग्री कर्व आएगा. तो दिस इज योर
this. So this is your third degree parabolic curve. Third degree curve, parabolic curve. Clear? So that was how to make. यहाँ पे आप पॉइंट ई ले ली सकते हैं जो हमने लिया था. वैसे इसकी जरूरत नहीं है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप. तो आपकी अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो प्लीज आप मेल कीजिए, मेल नहीं मतलब कमेंट कीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं यानी कि कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. आपके कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो रिप्रेजेंट करने की. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद.